निसंदेह ये सब उदार चित्ता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ऐसी श्रद्धा से संबंधित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपने अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। अध्याय 8, भगवत प्राप्ति। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि